أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। क्लास आज क्या पढ़ेंगे? पहले हम सबक शुरू करने से पहले पढ़िए मेरे साथ, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। और जितना भी इल्म हमें मिल चुका है अल्लाह ने इनायत कर दिया है, उस पर हम बामल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम काम करेंगे सबक नंबर 4 का बुक का थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है? और जितने काम आपको पिछला करवाया जा चुका है रजिस्टर में या बुक में, वो सब प्लीज़ काम सारा सफाई से कीजिएगा और उसको याद भी करने की कोशिश करें, ठीक है? चलिए देखते हैं। सफ़ा नंबर मेरे पास है जी 31, पेज नंबर 31। आज हम सवाल नंबर करेंगे 3। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के लिए दायरा लगाइए, सही है? अगर सबक आपने पढ़ा होगा तो आप एक काम आराम से कर सकते हैं, क्या इसके टिक आंसर आप आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, जैन और सलमत खेल के आए थे, कहाँ से खेल के आए थे, क्या खेल के आए थे? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस? क्रिकेट। आलमी यौम सेहत हर साल मनाया जाता है 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को या 2 अप्रैल को या फिर 7 अप्रैल को? सही जवाब है 7 अप्रैल। पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 देखिए आप, हमें नहाना चाहिए रोजाना, कभी कभार, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार? तो रोजाना। आगे है, अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखना फर्ज है, हमारे मोहल्लेदारों का, हमारे दोस्तों का, हम सब का, हमारे वालदैन का, हम सब का। महफिल के इख्तिताम में बच्चों की तवाज़ो की गई खाने से, चाय से, शरबत से या फलों से? खाने से। जरासीम पैदा होते हैं सर्दी से, गंदगी से, सफाई से या गर्मी से? किससे होते हैं? गंदगी से। बाकी जो काम आपका बाद में करवाऊंगी, अब हम देखेंगे सवाल नंबर, पेज नंबर देखिए आपका 34, पेज नंबर 34। इसमें एक सवाल दिया भाई आपको, सवाल नंबर 11 और 12। सवाल नंबर 11 में जो काम है वो देखिए, खाली डब्बों पर ग्लू की मदद से, ग्लू जो होती है ग्लू की मदद से चार्ट लगाइए और उन पर सफाई से मुतालिक जुमले लिखिए, जिस तरह से मैंने बनाया है ये वाला देखिए, दिख रहा है आपको? एक डब्बा है मैंने बनाया है डब्बे के ऊपर देखिए, इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें, इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंके, डब्बे के एक साइड पे लिखा हुआ है, यहां मैंने ये लिखा हुआ है, माहौल को साफ रखना हमारा फर्ज है, माहौल को साफ रखना हमारा फर्ज है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है यहाँ कचरा डालें, आपने भी ऐसे ही बनाना है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, यहाँ लिखा है मैंने सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सफाई को अपनाएं। इस तरह से इस बॉक्स के 5 साइड को मैंने कवर किया है, 1, 2, 3, 4 और 5। एक साइड ये, एक साइड ये आपका, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये। इस डब्बे के मैंने 5 साइड को कवर किया, वहाँ पे अलग अलग किस्म की मैंने बातें लिखी हैं कूड़ा करकट मुताबिक, आप भी इस तरह से करेंगे। इस बुक में भी आपको यही बताया गया है, इस सवाल में भी आपको आपने ऐसे ही काम करना है। क्या इन पे लिखना है, आपने डब्बा बनाया है ऐसा और डब्बे पे लिखना है आपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं इस तरह से कि यहाँ कचरा डालें, सफाई को अपनाएं और अपने लिहाज से आपने जो डब्बा बनाया होगा उस पर आपने जो मर्जी आप सफाई के लिहाज से कुछ बातें लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एक चार्ट पर सफाई से मुतालिक मुख्तलिफ अखबार लिखकर कमरा जमात में आवेश करें। आप कमरा जमात तो आपको है ही नहीं अभी इस वक्त हमारे पास, आप ऐसे करेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर एक कंप्यूटर पेपर के ऊपर अच्छे से डेकोरेट करके आपने उसको अखबार जरिए मुख्तलिफ लिखने हैं और अपनी नोटबुक के ऊपर रजिस्टर के ऊपर पेस्ट कर देना है आपने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? क्या करना है आपने, एक कंप्यूटर पर लेकर उसमें मुख्तलिफ अकवाल लिखने हैं आपने और लिखने के बाद अपने रजिस्टर पे उसको पेस्ट कर देना है आपने,
ठीक है, सही है, ये काम कर सकते हैं आप। ये बनाना है आपने, दिखाना है मुझे बनाकर आपने, और ये काम भी करना है आपने, सही है। ये एक्टिविटी है आपकी और आप आराम से कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं ना। बस जी, आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।